हेलो दोस्तों, प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप सब? तो दोस्तों, आज मैं किचन टिप्स एंड हैक्स लेकर आ गई हूँ। एक ही काम करके बोर हो गए हैं, तो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अक्सर दोस्तों इस तरह के जो होते हैं कैन के ढक्कन, आप देख सकते हैं कि ये जो है ढक इस तरह के जो होते हैं ढक्कन, इसको हम किचन में यूज करते हैं। तो क्या दोस्तों आपको पता है कि ये इसका हम स्टैंड भी बना सकते हैं, और किचन में जब भी हम काम करते हैं उस वक्त होता है कि मोबाइल हमको कहीं भी रखना बहुत ही मुश्किल होता है कि कहाँ रखें। एक तो पानी से भीगने का डर रहता है कि कहीं भी पानी गिरकर उसे पानी चला न जाए। तो इस तरह के जो होते हैं दूध का कैन जो होता है, दूध लाने वाला कैन, उसी की ढक्कन का यूज करेंगे और बहुत ही बढ़िया जो है हम दोस्तों स्टैंड बनाएंगे मोबाइल रखने के लिए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये बहुत ही बढ़िया काम करता है और एक स्टैंड बनकर तैयार हो चुका है। तो हम इस तरह के यूज करेंगे और काफी पैसा बचा सकते हैं। हम मार्केट्स जो है कि महंगे महंगे स्टैंड, मोबाइल स्टैंड मंगाते हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि आप चाहे तो इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, और काफी यूजफुल टिप्स है दोस्तों। जब भी हम किचन में रहते हैं तो इसी कैन जो है दूध के कैन की ढक्कन का हम यूज करते हैं, काफी यूजफुल टिप्स है। तो वीडियो को लाइक एक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये कांच का बैंगल्स है, और इसमें जो है कि कांच का जो है कि नग भी लगाया गया है। इस तरह के कांच के नग से जो होता है कि कपड़े साड़ी पहने या सूट पहने या नाइटी, उसमें होता है कि खोंच लग जाता है और कपड़े का जो है धागा निकलने लगता है। मेरे साड़ी में कितना भी और जो सूट में है कितना ज्यादा धागा निकलकर खराब हो चुका है। तो दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, अक्सर हम लोग खरीदने के समय जो होता है कि ध्यान नहीं देते हैं, और उस वक्त जो होता है कि बढ़िया लगने के कारण हम खरीद लेते हैं, और जो है कि बाद में जो होता है कि धागा निकलने लगता है कपड़े की। तो दोस्तों इसको अब हम कैसे यूज करेंगे, तो इसके लिए लेंगे दोस्तों हम और सेलो टेप। दोस्तों इसको हम फेंक भी नहीं सकते इस बैंगल्स को, तो इसके लिए हम लेंगे सेलो टेप। और देख सकते हैं दोस्तों कि इस तरह से जो है कि सेलो टेप जो है इस नग में जो है कि जहां पर भी नग है उस जगह हम इसको चिपकाएंगे, तो काफी बढ़िया से जो है कि चिपक जाता है सेलो टेप, और देखने में भी खराब नहीं लगता है। और इसी तरह से है कि हम सभी नग में जो है कि चिपका देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम इस नग में भी हम चिपका रहे हैं, और पता भी नहीं चल रहा है कि जो नग है इस पे सेलो टेप चिपकाया गया है। और कभी कभी होता है ना कि काफी बढ़िया लगने के कारण खरीद तो लेते हैं और जो है कि वो बेकार चला जाता है, इसे नुकसान ही होता है। तो इसी वजह से हुआ है कि मेरा जो ये बैंगल्स है अच्छा लगने के कारण तो हम ले लिए, और जो है कि कपड़े की धागा वगैरह सभी निकलने लगा है, और ये काफी बढ़िया है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, तो इसको हम फेंकेंगे नहीं। तो इसीलिए ये टिप्स हम अपनाए हैं। तो इसी तरह से हम दोस्तों सभी में जो है कि दोनों बैंगल्स में लगा लेंगे। तो वीडियो यूजफुल है तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो जो दोस्तों अगली जो टिप्स है वो है मार को लेकर। तो अक्सर हम चावल बनाते हैं दोस्तों, तो उस समय का जो होता है कि मार जो निकलता है, तो वो मार हम लोग फेंक देते हैं। और इस तरह से जो होता है कि गांव में हम लोग मिट्टी का बर्तन में जो है कि कढ़ाई में, कुकर में, या तो तसली में जो है कि लेप लगाते हैं। तो दोस्तों उस समय पहले के जमाना में लगता था, अभी भी लगता है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे, जो मार निकलता है ना जब भी हम चावल बनाते हैं और मार निकलता है, उस मार को हम जो है कि कुकर में लगाकर अगर हम चूल्हे पर चढ़ाएं, या तो गैस पर होता है कि कभी कभी ज्यादा स्याही निकलने के कारण जो होता है कि बर्तन में स्याही लग जाता है, तो इस तरह से जो है मार हम लगाकर चढ़ाएंगे नहीं तो जलेगा भी नहीं। और उसके बाद में जो है कि खाना बनाने के बाद में अब एक बार स्क्रबर मार दे, जिससे बहुत ही जला हुआ भी बर्तन ये बहुत ही जल्दी इसका जो है
कि स्याही छूट जाता है दोस्तों, बहुत ही यूजफुल है। हम अक्सर गांव में इसी का यूज करते हैं, कभी भी मिट्टी का लेप नहीं लगाते हैं, इसी मार को लगाते हैं। तो दोस्तों बहुत ही ये सालों और क्या वर्षों से हम यही करते आ रहे हैं, इसी का लेप लगाते हैं। तो दोस्तों आप भी इस टिप को फॉलो जरूर कीजिएगा, बहुत ही काम का टिप्स है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो जरूर से जरूर एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हम पूरे तरह से इसमें हम जो है कि लगा लिए हैं मार, इसको जो है पूरे में लगा लिए। अब हम आपको दिखा देते हैं कैसे ये वर्क करता है। तो इस तरह से जो है कि आप टेस्ट पर चढ़ा सकते हैं या तो चूल्हे पर चढ़ा सकते हैं, ये जलेगा भी नहीं और बहुत ही जल्दी इसका स्याही जो है कि छूट जाता है। दोस्तों आप बहुत ही यूजफुल टिप्स है, एक बार मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इस टिप को जरूर फॉलो करें और अपने घर के काम को आसान करें, बहुत ही यूजफुल है। तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों अगली जो टिप्स है वो है करेले को लेकर। तो बच्चे और बड़े को बहुत ऐसे घर है जिसमें बच्चे बड़े को भी पसंद नहीं आता है करेला। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे जिससे बच्चे भी मांग मांग कर खाएंगे और बड़े भी। तो इसके लिए दोस्तों हम